आज की वीडियो में आपको पता लगेगा कि ग्रैंड आरपी में फोर्ट ज़ेंक्यूडो रेड कैसे करते हैं, मतलब कि कैसे आप अपनी गैंग के साथ मिलके मिलिट्री बेस को रॉब कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना। बाकी आपने अभी तक ग्रैंड आरपी खेलना शुरू नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो, जिस सर्वर पे खेलना चाहते हो सेलेक्ट करो, अकाउंट फ्री में रजिस्टर करो एंड लॉन्चर डाउनलोड कर लो, जिसके बाद आप खेलने आ सकते हो। बस GTA 5 की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। मेरे लिंक से रजिस्टर किया था ना आपने, सो आपको $25,000 प्लस प्राइम मिलेगा, एंड साथ ही आप इन तीन लग्जरी कार्स में से कोई एक कार 7 डेज तक चला भी पाओगे। सो देखो, मिलिट्री बेस यानी कि फोर्ट ज़ेंक्यूडो को ड्रॉप करने के लिए ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली बात तो आपको एक गैंग में होना पड़ेगा। देन भाई आप ये ना 1200 से लेकर 2205 के बीच ही कर सकते हो। बेसिकली ये मैं आपको इन गेम टाइम बता रहा हूँ, इसके बीच आप कभी भी कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक टाइम या फिर डेज नहीं होते। बट हाँ, जो भी गैंग का लीडर होता है या फिर डिप्यूटी होता है, उसे गैंग क्यूरेटर को बताना पड़ता है एटलीस्ट 2 घंटे पहले। मतलब जो भी एडमिन गैंग्स को मैनेज कर रहा होगा, उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई 2 घंटे बाद हम FZ रेड करने वाले हैं। सो दैट वो एडमिन NGA यानी कि नेशनल गार्ड्स को भी जाकर इन्फॉर्म कर दे कि भाई इस टाइम रेडी रहना है, अटैक होने वाला है, वरना एकदम अचानक से कर दोगे और NGA ऑनलाइन ही नहीं हुई तो फिर तो अनफेयर हो जाएगा ना। देन कुछ रूल्स होते हैं, लाइक आपको हमेशा गैंग क्लोथ्स में ही रहना पड़ेगा। जिस भी आप गैंग में हो उसके क्लोथ्स आपको पहनने पड़ेंगे, बाकी आप आर्मर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आप रूफ पे चढ़ के NGA वालों को मार रहे हो, वो चीज अलाउड नहीं है। कोई भी हाई ग्राउंड आप यूज नहीं कर सकते, एंड NGA के बेस में आपको किसी को किडनैप या फिर ड्रॉप भी नहीं करना है। कभी सोचा कि भाई NGA में पुलिस वाला मरा पड़ा है तो 2 गाड़ी 4 बंदे लगा के लूटना शुरू कर दिया, रूल ब्रेक होता है वो। साथ ही आपको सिर्फ अपनी गैंग कार्स ही यूज करनी है, कोई अपनी पर्सनल कार लेके मत घुस जाना NGA बेस में। अब जैसी FZ रेड स्टार्ट होने वाली होगी, उसे 5-10 मिनट पहले ही गैंग मेंबर्स अपनी गाड़ी लगाकर NGA बेस के पास खड़े हो जाते हैं। वो एक कॉन्वॉय बना लेते हैं और एक लाइन में खड़े रहते हैं। देन डिसाइड करना होता है कि भाई नॉर्थ गेट से एंटर करेंगे या फिर साउथ गेट से। आसानी से समझने के लिए ये इमेज देखो, जो इसमें पिंक कलर के सर्कल हैं वो गेट्स होते हैं। नीचे वाला साउथ गेट होता है और ऊपर वाला नॉर्थ गेट। जहां से घुसना चाहो वहां से एंटर कर सकते हो। बेसिकली जैसे ही टाइम हो जाए ना, सभी गैंग मेंबर्स स्पीड में अपनी गाड़ी भगाते हैं और घुसा देते हैं बेस के अंदर। कुछ शूटर्स में भी बाहर रुक जाए NGA वालों को मारने के लिए, बट मैक्सिमम लोगों से कहा जाता है कि भाई सीधा अंदर घुसे और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ो, बिकॉज बेस के अंदर घुसते ही आपके पकड़े जाने एंड अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो अपना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है अलार्म्स को डिसेबल करना, एंड इसकी लोकेशन आपको इमेज में दिख रही है कि ये कहां होता है। डिप्यूटी या फिर अंडर डिप्यूटी जिसपे भी ये परमिशन होगी अलार्म डिसेबल करने की, जिसके बाद एक बार बनी आएगी। अब सबको ना जल्दी जल्दी से इको प्रेस करना है, जितना ज्यादा लोग एक साथ करेंगे एंड जितना जल्दी करेंगे वो बार कंप्लीट होने लगेगी। एंड भाई अब बस आपने ऑफिशियली FZ रेड स्टार्ट कर दिए। 15 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट हो चुका है एंड स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि भाई कितने गैंग के मेंबर्स हैं, कितने स्टेट ऑक्स के मेंबर हैं, और आपको इसी टाइम के अंदर सब कुछ लूट के निकलना है। वैसे यूजुअली लोग यार 5 मिनट में लूट के निकल जाते हैं, बिकॉज जितना ज्यादा रुकेंगे अंदर उतना ही ज्यादा रेस्ट होने का खतरा है। बाकी अलार्म डिसेबल करते वक्त ना ध्यान रखना कि यार क्यूरेटर ने जो आपको टाइम दिया है आप उसके बाद ही करो, उससे पहले मत कर देना, वरना वो भी रूल ब्रेक कंसिडर किया जाता है। मतलब सपोज आपने इन गेम टाइम के 12:30 पे बताया कि यार हमें ना FZ रेड करनी है, सो प्रोबेबली वो आपको 2 घंटे बाद यानी कि 14:30 का टाइम देंगे। तो अब अलार्म्स को डिसेबल आपको 14:30 या फिर उसके 1-2 मिनट बाद ही करना है, उससे 1 मिनट पहले भी मत कर देना, वरना वो रूल ब्रेक माना जाएगा एंड वार्न पड़ सकता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। खैर, हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है जनरेटर को टर्न ऑफ करना। इसकी लोकेशन भी आपको दिख रही होगी, जल्दी से आपको यहां पहुंचना है एंड बार बार ई टैप करके जनरेटर को टर्न ऑफ कर देना है। बस हो गया सब काम, अब बस बिंदास लूटो। बट हां, ध्यान रखना कि यार NGA वाले ना हो, जो भी दिखे उनको मार देना है सीधा बिना सोचे समझे। बाकी NGA के अलावा SHP या फिर LSPD भी आ सकती है, सो उन्हें भी मारना पड़ेगा, बिकॉज NGA वाले आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ मारते हैं एंड हैंडकफ्स में डालते हैं। अरेस्ट करने तो दूसरी स्टेट ऑक्स ही आती है। देन आपको जल्दी से जाना है मेन हैंगर के अंदर, वहां लेफ्ट और राइट हैंगर दोनों में ही येलो मार्कर है, जहां बहुत सारी लूट मिलेगी। एमो होगी, गन के पार्ट्स होंगे एंड इवन आर्मर प्लेट्स भी होंगी। यूजुअली गैंग लीडर्स कहते हैं कि यार जो आर्मर प्लेट्स हैं या फिर एमो है वो सब लोग कलेक्ट कर लो और फिर एंड में भाई लीडर को दे देना, बिकॉज ये सब गैंग में यूज होते हैं। गन पार्ट्स की कोई खास वैल्यू होती नहीं है, सब वो इग्नोर ही करते हैं सब लोग, एंड वो बेकार से मास्क को तो कोई टच भी नहीं करता। बाकी हाँ, लूट को गैंग के कार्स में मत रखना, गायब हो जाती है। अगर कुछ खुद रखने का मन हो तो गैंग के लीडर या फिर डिप्यूटी से पूछ लो कि भाई ये मैं रख लूं या फिर नहीं रख लूं। यूजुअली वो लोग वैसे ना आर्मर प्लेट्स की डिमांड ही करते हैं, एमओ तो क्लैंस एंड कंसोल में भी मिल जाती है, सो इसलिए उसकी उतनी जरूरत पड़ती नहीं है। सो लेफ्ट एंड राइट हैंगर दोनों जगह से आप लूट कर सकते हो, जितना लूट सकते हो लूट लो। अगर टाइम बचा हो और NGA वाले मर चुके हो तो साइलोज भी चले जाओ, मैप पे लोकेशन दिख रही होगी, वहां भी बहुत लूट मिलती है। सेम इसी तरह कंटेनर्स और फायर स्टेशन पे भी लूट होती है। सो जितने ज्यादा लोग होंगे वो NGA और पुलिस वालों को मार सकते हैं एंड अलग अलग जगह जाकर लूट कर सकते हैं। एंड बस फिर क्या, वहां से गाड़ी में बैठ के निकल जाओ। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि यार भाई जल्दी से जल्दी निकल लेना वहां से, बिकॉज अगर मर गए तो कोई रिवाइव करने नहीं आएगा और चांसेस है कि अरेस्ट ही हो जाओगे। सो सब लूट करके आप मिलिट्री बेस से निकल जाओ और हो चुकी है आपकी रॉबरी सक्सेसफुल। आखिर में आप जिस गैंग में हो उसके लीडर आपको बोनस दे देगा, बाकी आप भी उसको सारे आर्मर प्लेट्स एंड एमो दे देना भाई जद से। टिप्स एंड ट्रिक्स पूछो मेरे से तो भाई अपने गैंग लीडर या फिर डिप्यूटी के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो यार, देन ड्राइव
ड्राइविंग अच्छी होनी चाहिए तभी ड्राइव करना, अदरवाइज किसी और को दे देना, बिकॉज यहाँ सब कुछ जल्दी करना होता है एंड आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए। उसके अलावा भाई शूटिंग ना आती हो ना तो मत ही पढ़ना, बस ई स्पैम करो, थोड़ा बहुत लूट करो और निकलो, पुलिस वालों को शूटर संभाल लेंगे। बाकी यार इसमें जितने ज़्यादा लोग हों उतना अच्छा है, बिकॉज अलार्म्स एंड जनरेटर डिसेबल करते वक्त ज़्यादा लोग काम आते हैं। सो यार यही थी कंप्लीट गाइड ऑफ FZ रेड। अगर आपको जानना है कि यार गैंग कैसे ज्वाइन करें तो उसके लिए लेफ्ट वीडियो देखो, एंड ग्रैंड आरपी कैसे खेलना शुरू करें उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।